बेबी को तलवे में तेल अच्छे से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उंगली के बीच में हम अगर तेल लगाते हैं तो इससे बच्चा को कभी पानी नहीं लगता है उंगली में, ये भी सही रहता है। और तलवे पे डालने से इसका सर्कुलेशन ब्लड का अच्छा रहता है, और अगर पेट में दर्द है तो वो सब में भी इसे फायदा मिलता है। और जब भी तेल लगाएं तो बच्चे के ये ज्वाइंट पे जरूर लगाएं, ज्वाइंट पे तेल लगाने से ये जो होता है वो स्ट्रांग होता है, इससे बच्चा को खड़े उड़े होने में सही होता है, सही टाइम पे बच्चा चलने भी लगता है। तो जब भी तेल लगाएं तो ये ज्वाइंट पे तो अच्छे से तेल मसाज करें। और तेल लगाने से ये भी फायदा होता है कि बाहर का कोई भी गंदगी बच्चे के बॉडी को टच नहीं कर पाता है और बच्चे को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, इसलिए मसाज बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे तो ठंड बहुत है पर मसाज तो देना पड़ेगा ताकि इसको अच्छी नींद आए। तेल लगा देने से बच्चे को नींद भी अच्छी आती है, थकान दूर होता है। सरसों तेल लगाने से ठंड के लिए अच्छा होता है, इससे शरीर में गर्मी बनी रहती है। और पीठ पे मसाज करने से बच्चे का पाचन शक्ति अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है, वॉमिट वॉमिट की समस्या थोड़ा कम हो जाती है। तो ये डॉक्टर भी कहते हैं कि दूध पिलाने से पहले थोड़ा बेटी बच्चे को पीठ की तरफ रख के और मसाज करने के लिए, तो ये अच्छा रहता है। ये तेल में लहसुन डाल के गरम करके और फिर लगा रहे बाबू को, ताकि इसका जो भी सर्दी खांसी है वो भी सही हो जाए, सर्दी खांसी के लिए भी ये बेहतर है। ये हाथ के भी जॉइंट में बच्चे को तेल अच्छे से लगाना चाहिए ताकि वो अच्छे से हाथ स्ट्रेट कर सके। पेट पे ज्यादा जोर से प्रेशर ना दे, क्योंकि इससे पेट में डाइजेस्टिव में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। पेट पे जेंटली मसाज कर